हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पे शाम की तैयारी हो रही है खाने का, तो एक्चुअली मैं अपने बेटे से पूछे कि क्या खाना है, तो जैसा कि आप वीडियो में सुने उसकी फरमाइश हुई है ओट पनीर। और ये ओट पनीर इसलिए बोला क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में ही हमें बोला था मम्मा ओट्स बना दो, तो हम बोले थे ठीक है जब तुम स्कूल से आ जाओगे तब बना देंगे। तो ये मैं जब शाम में पूछी तभी बोल रहा है कि आपने ही तो बोला था कि मैं ओट पनीर बना के देंगे शाम में, क्योंकि ना इसे ओट्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं बोली चलो थोड़ा सा अगर इससे हम प्रॉमिस किए हैं तो बना देते हैं, मैं तो सोची थी भूल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे बनाते हैं ओट्स कटलेट। बहुत ही टेस्टी हेल्दी होता है, आप इसे शाम की चाय के साथ ले सकते हैं या फिर मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर आप हल्के फुल्के डिनर में भी काम चला सकते हैं, क्योंकि इसमें सारा चीज़ जो है ना हेल्दी है, बहुत ही टेस्टी होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ इसमें क्या क्या चीज़ें मैं ली हूँ। यहाँ पे जैसा कि हम कैप्सिकम लिए हैं, प्याज लिए हैं, कुछ सब्जियाँ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो जो सब्जी था हमारे फ्रिज में, तो जैसे कैप्सिकम है, प्याज है, गाजर है और धनिया पत्ता है, और थोड़ा सा हरी मिर्ची अदरक को भी अच्छे से चॉप कर लिए। और यहाँ पे लिए हैं हम हाफ लीटर दूध को, पनीर पहले से बनाकर रख लिए थे। तो यहाँ पे देख सकते हैं सारा चीज़ जो है बिल्कुल हेल्दी है, पूरा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। और ओट्स है तो अगर जो लोग अपना वेट लॉस कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा है। अगर कोई आपके घर शाम के टाइम चाय पे आ रहे हैं तो उनको चाय के साथ दे सकते हैं ये कटलेट, बहुत ही हेल्दी होगा और वो भी खुश हो जाएंगे कि ये भी हमारे हेल्थ का ध्यान रखे। तो यहाँ पे जैसा कि हम लिए एक कटोरी ओट्स, ये प्लेन ओट्स है, तो यहाँ पे ओट्स को हम पहले रख लिए हैं दूसरे बाउल में। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं 2 चम्मच भरकर दही, इसे थोड़ा सा दही के साथ अच्छे से मिला लेंगे ओट्स को। यहाँ पे दही आप ध्यान से डालिएगा, ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो बाद में आगे आपको बाइंडिंग में प्रॉब्लम आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दही डाल के, और ऐसे भी दही डाल के ना 2-4 मिनट बाद खुद वो अपने सोख लेगा, ओट्स जो है ना अच्छे से दही को सोख लेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से मिल गया। उसका जितनी भी सब्जियाँ हम चॉप करके रखे थे, कैप्सिकम, गाजर, प्याज, धनिया पत्ता, हरी मिर्ची, अदरक, इन सब चीज़ों को हम इसमें मिला देंगे। यहाँ पे अच्छे से मिला दे रहे हैं। और यहाँ पे पानी का यूज बिल्कुल नहीं किए हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी सब्जियाँ हैं, पनीर है, दही है, तो ये बहुत अच्छे से मिल जाएगा ओट्स के साथ। और यहाँ पे डाल रहे हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉल्ट, जैसा भी आपको चाहिए। कोई भी मसाला इसमें नहीं डलेगा। उसके बाद थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल रहे हैं ब्लैक पेपर, क्योंकि ना इससे एक बहुत अच्छा सा टेस्ट और फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा डालें ब्लैक पेपर, उसके बाद फटाफट हाथ से मिला लेते हैं, क्योंकि चम्मच से मिलाने मुझे नहीं ठीक से ये हो रहा है, तो मैं हाथ से फटाफट मिला लेती हूँ। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक अच्छा सा थिक सा बाइंडिंग जो कि मतलब अच्छा सा बन गया है। इसे हम जो है कटलेट का छोटा छोटा सा बॉल जैसा बना लेते हैं। तो हम यहाँ पे कटलेट बनाकर कर लिए रेडी, अब चलते हैं इधर। तो यहाँ पे हम डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, हम बनाएंगे तवे पे। आप चाहें तो इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं, बट हम थोड़ा सा हेल्दी बना रहे हैं ना, तो इसलिए हम इसे तवे पे बनाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी कुरकुरा सा बनेगा। तो यहाँ पे तेल जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में यूज किए हैं, आप चाहें तो कम मात्रा भी तेल यूज करके बना सकते हैं, वो भी बहुत टेस्टी बनेगा। बट हम यहाँ पे थोड़ा सा तेल ज़्यादा दिए हैं क्योंकि ओट्स है ना, तो अच्छे से क्रिस्पी कुरकुरा सा बन जाए। तो हाँ तो यहाँ पे एक बार में 7 से 8 आ जाएगा, और आँच को हमें मीडियम रखना है। तो इस तरीके से करके हम उलट पुलट कर बना लेते हैं। और कैसी लग रही है हमारी वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा, ये रेसिपी कैसी लग रही है। अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को बहुत प्यार दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और अच्छी अच्छी नई नई वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के साथ। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि हमारी रेसिपी कैसी लग रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक साइड अच्छे से पक गया है, अब बारी आती है दूसरे साइड को, तो बस थोड़ा पलट दे रहे हैं। तो यहाँ पर एक बार में इतना कटलेट बन के हो गया है रेडी।
तो चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ, उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना ज़्यादा क्रिस्पी सा बना है। थोड़ा सा इसे ठंडा होने देंगे, उसके बाद मैं तोड़ के दिखाती हूँ। यहाँ पे सारा हो गया, एक मुझे थोड़ा सा लग रहा था जो साइड में है ये कच्चा सा, तो मैं इसे थोड़ा साइड कर देती हूँ और बाकी जो दूसरा है दूसरी बार में जो जाएगा वो सब सारा कटलेट को मैं तवे पे रख देती हूँ ताकि ये धीरे धीरे पकते रहेगा। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो मैं एक ऐसा दिखा रही हूँ तोड़ के, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी सा बना है, देख सकते हैं आप, एकदम अंदर से पक गया है। ऐसा इसमें कुछ है नहीं पकने वाली चीज़ की जो कच्चा रहेगा, सारा चीज़ तो सारा जो है सब्जियाँ सब इतना सॉफ्ट है कि वो थोड़ा सा स्टीम में सारा पक जाएगा। तो यहाँ पे बस बन गया है कटलेट, चलते हैं सर्व करने की बारी। इसे आप सॉस के साथ, चटनी के साथ, बच्चों को भी बहुत पसंद आएगा, बहुत ही हेल्दी, पूरा न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है। तो चलिए आप लोग भी खाइए, इंजॉय कीजिए। कैसा लग रहा है? ये तो पूरा पिज्जा जैसा टेस्ट है, इससे सॉस से भी अच्छा लगता है।